हेलो वेलकम बैक टू बैक माय चैनल मिस्टर कैशर खान में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ में आपके बीच में आए हुए हैं। तो दोस्त आज का हमारा टॉपिक बहुत जबरदस्त होने वाला है। जो टॉपिक है मैं दोस्त आज हम आपके बीच में आपको बता दूं, दोस्त तीन पार्ट को लेके हम इस टॉपिक को लेके बात करेंगे कि हमें अपने गेस्ट को किस तरीके से इन्वाइट करना है, अप्रोच करना है, उनको प्लान दिखाना है, सेमिनार दिखाना है, उनको ज्वाइन कराना है। तो ये इन सारे टॉपिकों पे हम बात करेंगे। तो आज का हमारा पहला पार्ट होने वाला है और इस तरीके से हमारे दो पार्ट और भी होंगे। हमारे पहले पार्ट में आज हम बात करेंगे आपसे बीच में कि हम अपने गेस्ट को अप्रोच कर रहे हैं या फिर प्लान दिखाने जा रहे हैं तो हमारी खुद की तैयारी कैसी होनी चाहिए, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। चलिए दोस्त, जो भी हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए दोस्त हम स्टार्ट करते हैं। कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए। चलिए दोस्त, आज का हमारा जो पहला पार्ट है, जो टॉपिक था वो है मेरे दोस्त, हमें अपने गेस्ट को अप्रोच करने से पहले या प्लान दिखा लेने से पहले हमारी खुद की तैयारी होनी चाहिए। तो हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, जिससे कि हम अच्छी तरीके से उनको बेहतर बना सके। यानी यूं कह लिया जाए, अप्रोच करने से पहले हम खुद को तैयार करें। तो तैयार करने में आज हम पांच पॉइंट को लेके बात करने वाले हैं जो हमारे बहुत ही बेसिक पॉइंट होने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वह हमारा आपका आत्मविश्वास। पहला पॉइंट है आपका आत्मविश्वास। आत्मविश्वास की अगर मैं बात करूं, यदि आप अपना, आपको ऐसा लगना चाहिए, ऐसा भरोसा होना चाहिए कि जिस बिजनेस को आप करने जा रहे हो, जो बिजनेस आप ऑफर करने जा रहे हो, वहां से आपकी लाइफ बदल सकती है, या आप जिसको प्लान देने के लिए जा रहे हो या आप जिसे अप्रोच कर रहे हो उसकी आप एक लाइफ बदलने के लिए जा रहे हो, ऐसा आपको भरोसा होना चाहिए, ऐसा आपको ट्रस्ट होना चाहिए। दूसरा चीज, यदि आप जिस कंपनी में है उस कंपनी के प्लान को लेके, उस कंपनी के प्रोडक्ट को लेके, क्या वाकई में वो काम करता है, क्या वाकई में वो बिजनेस चलता है, ऐसा आपको भरोसा अपने अंदर होना चाहिए कि जिस कंपनी में मैं काम करता हूं उसका प्रोडक्ट अच्छा है, उसका प्लान अच्छा है और वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, ऐसा आपको भरोसा होना चाहिए। तीसरा चीज, जब आप किसी, आपको ऐसा भरोसा होना चाहिए कि जिस कंपनी के साथ मैं जुड़ा हूं, जिस कंपनी की मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं, जिस कंपनी को मैं सीख रहा हूं, उससे मेरे अंदर एक जादुई बदलाव आ सकता है, एक अलग से एक्सपेरिमेंट आ सकता है कि जहां से मैं अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता हूं, ऐसा आपको भरोसा होना चाहिए। जब आप किसी को ऑफर करने के लिए जा रहे हैं, अपना बिजनेस देने के लिए जा रहे हैं या किसी को अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको ऐसा होना चाहिए कि आप उसकी लाइफ बदलने जा रहे हो। इस ट्रेनिंग सिस्टम से उसके अंदर एक जादुई बदलाव आ सकता है, एक अंदर से उसके एक मोटिवेशन आ सकता है, ऐसा आपको भरोसा होना चाहिए। सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। जब ये सारी चीजें आपको विश्वास हो जाए तो हमारे जो दूसरा पॉइंट आता है वह है हमारा नजरिया। आपका नजरिया कैसा होना चाहिए, हमारा सबसे पहला नजरिया जो होना चाहिए वो देने का होना चाहिए, क्योंकि हम अपना बिजनेस किसी को ऑफर कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो हम देने वाले बने, क्योंकि लेने वाले नहीं, क्योंकि हम उसकी एक लाइफ बदलने जा रहे हैं, हम उसको एक चेंज लेने जा रहे हैं, उसके ड्रीम पूरे करवाने के लिए जा रहे हैं। तो हमें एक देने की कला होनी चाहिए और हमारा देने का होना चाहिए, लेने का नहीं होना चाहिए। हमेशा आपने देखा होगा कि कोई इंसान किसी को देता है ना, तो उसका हमेशा हाथ ऊपर होता है इस तरीके से। तो आपका एटीट्यूड जो हाई होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। चलिए दोस्त, देना, तो देने के ऊपर मैं एक एग्जांपल आपको शेयर करता हूं कि देना एक कला है, इस चीज के बारे में हम सीखते हैं। चलिए मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से शेयर करता हूं कि देना है हमें किस तरीके से। एक बार की बात है, एक चौराहे पे एक लड़की पर्चे बांटने का काम कर रही थी। उसका काम था पर्चे बांटना और एक चौराहे पे पर्चे निकालती हुई लोगों को दे रही थी, लेती दूर लोगों को दे रही थी। उसका ये चल रहा था, काफी टाइम से चलता रहा, सुबह से लेकर दोपहर तक। लोग उस पर्चे को लेता और फेंक देता, लेता और फेंक देता। लोग परेशान हो गया कि वाकई में क्या वजह है कि, और तब तक बाबा जी बैठे थे और उस लड़की को देख रहे थे, वो पर्चे लेते फेंक देते, पर्चे लेते फेंक देते। अब क्या हुआ, उस चीज को पता किया तो सारी चीजें, उन चीजों को देखा गया, तो देखने के बाद में बाबा जी आए, उस लड़की से पूछे कि क्या बात, आप इस पर्ची को क्यों बांट रही हो। उस लड़की ने बोला कि साहब, मेरा ये काम है और मेरी ये जॉब है सिर्फ लोगों को पर्चे बांटना। तो उन्होंने बोला, पर्चे बांट के क्या करना चाह रही हो। बोला, सिर्फ लोगों को पढ़वाना, सिर्फ इस चीज को लोग पढ़े। बाबा जी ने बोला कि लोग तो पढ़ ही नहीं रहा,
आपके पर्चियों को ले रहा है और फेंक दे रहा है, ले रहा है फेंक दे रहा है, पढ़ी नहीं रहा, क्या फायदा है। तो बोला बाबा जी क्या करें। तो उसने बोला ऐसा करो, इस पर्चे को आप एक साइड में बैठ जाओ और इन सारी पर्चों को फोड़ करके आप अपनी बैग में रख लो, और बैग में रखने के बाद आप जब कोई आए तो उसे प्यार से मुस्कुरा के दे दो। उसने ऐसे ही किया, लड़की ने सारे पर्चों को फोल्ड करके अपने बैग में रख लिया और चौराहे खड़े होकर उसी जगह पे अब मुस्कुरा के लोगों को एक पर्चा देना शुरू कर दिया। जब लोगों ने ऐसा पर्चा देखा तो लोग जब हर कोई, क्योंकि आपको पता है जब कोई चीज मुड़ी हुई होती है ना, जब फोल्ड की हुई होती तो लोगों को खोलने की आदत होती, कुछ जैसे मान लिया कोई पैक करा के कोई आपको गिफ्ट देते तो आपको खोलने की बड़ी आदत होती, देखने में मजा आता कि यार इसके अंदर क्या होगा, कैसा क्या है क्या नहीं, इन सारी चीजों की आदत होती। तो इसलिए सेम उसने किया और लोग लिए, उसको खोले, जब उसे खोलेगा तो उसे पढ़ेगा भी, ऐसे उसने करना स्टार्ट किया। एक बार की एक टाइम के बाद कि एक लड़का उधर से आ रहा था बाइक से, और उसने जब देखा कि खूबसूरत लड़की मुझे पर्चे दे रही, तो जाहिर है उसने मन में आया हुआ कि यार ये लेटर वगैरह है, तो उसने क्या किया उस पर्चे को ले लिया और लेने के बाद में अपने जेब में रखा और एकांत जगह में गया, एक पेड़ के नीचे बैठा और उस पर्चे को पढ़ने लगा। उस लड़की का नंबर ढूंढ रहा था, उसमें नंबर नहीं था, उसमें सिर्फ हॉस्पिटल का एड्रेस था जो सारी चीजें उसमें लिखी हुई थी। उसने पढ़ा, दो तीन बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा, नंबर नहीं मिला, उसने पर्चा जेब में रखा और चल दिया। जाते जाते अचानक उसका एक्सीडेंट हुआ। जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसको लोगों ने उठाया, देखा जेब व्यक्ति तो उसमें पर्चा निकला, तो पर्चा लोगों ने देखा तो सोचा शायद इसका फैमिली डॉक्टर होगा, तो उसको ले जाके वहां पे एडमिट करवा दिया। तो उस लड़की का ना सिर्फ मकसद था वो पढ़वाना, और जो लोग पढ़ेगा तो वहां तो लोग पहुंचेगा। तो हमारा जो होना चाहिए ना, लोगों को समझाना, लोगों को बताना, बल्कि उन्हें पूरी जानकारी देना नहीं, क्योंकि आज आप किसी को अपना बिजनेस ऑफर करने जाओगे ना, किसी को अपने प्लान के बारे में बताओगे, किसी अपने गेस्ट को अप्रोच करोगे, आप डायरेक्टली किसी को दोगे वो ले सकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया का लोग है, इनको चिल्लर लेने की आदत है। आप 5-10,000-20,000 बोलोगे महीने का कमा लेगा, तुरंत बोलेगा जी यस कमा लेंगे। लेकिन अगर देखा जाए मेरे दोस्त, आज डेट में उसे 50-60,000 बताओगे तो ले सकता नहीं है। तो इसलिए हमें देना सीखना पड़ेगा, क्योंकि देना भी एक कला है। जब तक ये आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप किसी को अपना बिजनेस ऑफर नहीं कर पाएंगे, आपकी ज्वाइनिंग अच्छे से नहीं निकलेगी, आपका गेस्ट अच्छे से नहीं आएगा। तो इसलिए हमें अप्रोच करने से पहले हमें ये चीजें यानी कि देने भी कला सीखना चाहिए, और साथ ही साथ आपका एक अप्रहेंसड होना चाहिए। जब आप किसी को बिजनेस देने जा रहे हो, किसी को अप्रोच कर रहे हो, तो एक अप्रहेंसड होना चाहिए। अप्रहेंसड का मेरे कहने का मतलब आप कन्विंसिंग बिल्कुल भी ना करें, रिक्वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, इंतजार बिल्कुल भी ना करें। जो टाइम होना चाहिए वो आपका होना चाहिए, जो शर्त होनी चाहिए वो आपका होना चाहिए। बात कर रहा था मैं अप्रहेंसड की, तो अप्रहेंसड देखो, आप किसी भी चीज की, अप्रहेंसड का सीधा सीधा मतलब होता है वैल्यू रियलाइज कराना। आप किसी चीज की वैल्यू रियलाइज करा देते हैं वही अप्रहेंसड कहलाता है। मान लिया एग्जाम्पल, मैंने आपको कोई एक चीज दी, पेन दिया, अब मैंने दे दी, मैंने बोला कल मैं आपसे ले लूंगा, अब हर इंसान बोलेगा चलो सर ने दी मैंने ले ली, लेने के बाद थोड़े टाइम बाद मैं आया दे दी। लेकिन वही चीज मैंने बोला भाई साहब ये मेरा पेन है ना, इसको अच्छी तरीके से रखना, ये मेरा गिफ्ट वाला पेन है, ये गायब होना नहीं चाहिए, ये जो गायब हो गया तो मैं तुझसे ही लूंगा और किसी से लेने वाला नहीं हूं। तो ये चीज जब आप ये वर्ड बोल देते हैं, एक अप्रहेंसड लगा देते हैं इस तरीके, देख आज जो मैं बिजनेस के बारे में तुझसे बात करने वाला हूं, आज जो मैं आज काम के बारे में तुझसे बात करने वाला हूं, ये एक लाइफ चेंज है, ऐसी उसके आप अप्रहेंसड लगाएं, ऐसी आप वैल्यू रियलाइज कराएं कि दुनिया का एक रोल मॉडल है, दुनिया का एक बहुत जबरदस्त है, तो आपकी बातों को सुनेगा। तो ऐसे अपने अप्रहेंसड जरूर होना चाहिए, और आपको रिक्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना कि प्लीज यार मेरे खातिर कर ले, कन्विंस बिल्कुल नहीं करना चल 50-50 कर लेते, नहीं करना, आपको आपको वैल्यू रियलाइज कराना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा। और टाइम शर्त आपकी होनी चाहिए, जो टाइम आप फिक्स करें, जो शर्त फिक्स करें वो आपकी होनी चाहिए, किसी और की होनी नहीं चाहिए, ये आपका एक नजरिया होना चाहिए। चलिए दोस्त अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट को लेके, जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो हमारा ऊर्जा लेवल। अब हमारा ऊर्जा लेवल कैसा होना चाहिए ये भी बहुत मायने रखता है, ऐसा नहीं आप प्लान देने के लिए जा रहे हो एकदम मायूस होके, तो हमारा ऊर्जा लेवल में होनी चाहिए, हमारी ऊर्जा हाई होनी चाहिए, ऊंची ऊंची होनी चाहिए, आवाज में बुलंदी होना चाहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, और एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए, और एक अंदर से आत्मविश्वास होना चाहिए।
तब तो अपना बिजनेस आप किसी को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, तब तो आप किसी गेस्ट को अप्रोच कर सकते हैं, वैसे कर सकते नहीं है। अब बात करने जा रहे हैं ब्लॉकों की। चेहरे पे आपकी मायूसी है, चेहरे पे मुस्कुराहटी नहीं है, आवाज में आपकी बुलंदी नहीं है, तो आप कैसे लोगों को बताएंगे, कैसे लोग आपकी बातों को मानेगा, कैसे लोग आपकी बात को सुनेगा। तो इसलिए आपकी आवाज में बुलंदी होना चाहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट स्माइल होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए और अंदर से एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि यस जो मैं आज करने जा रहा हूं ना उसको मैं आज करके मानूंगा, ऐसे आपके अंदर होना चाहिए। और एक ऊर्जा होनी चाहिए, यदि आप उससे जाए मिले हाथ मिलाए तो उसको लगना चाहिए इस बंदे के अंदर करंट है, इसके अंदर पावर एनर्जी होनी चाहिए मोटिवेशन की, ये आपका ऊर्जा लेवल में होना चाहिए। आप किसी को बोल बड़े आज में जाते हैं लाखों की बात करते हैं और बोलते हैं सर मेरा गेस्ट डन नहीं हुआ, सर मेरी ज्वाइनिंग नहीं निकली, मुंह एकदम लटा हुआ होता है और लाखों की बात करते हैं, कैसे लोग ट्रस्ट कर लेगा। तो इसलिए हमारा खिला हुआ चेहरा होना चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए, वहीं पे आपकी ज्वाइनिंग डन हो जाएगी, वहीं पे लोग आपकी बातों को मान लेगा, वहीं पे लोग आपकी बातों को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसलिए हमारा ऊर्जा लेवल हाई होना चाहिए, आवाज में बुलंदी होना चाहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, खिला हुआ चेहरा और सकारात्मक सोच होनी चाहिए। आप पॉजिटिव बात करें, किसी से भी बात करें, निगेटिव बिल्कुल भी ना करें। और एक अंदर से आत्मविश्वास होना चाहिए कि जी आज इसको मैं समझाने जा रहा हूं, आज इसको मैं प्लान देने जा रहा हूं, आज इसको मैं अप्रोच करूंगा, डन होगा मेरा, ऐसे आपको अंदर से एक विश्वास होना चाहिए। अब हम बात करेंगे मेरे दोस्त चौथे पॉइंट को लेके, जो कि हमारा आपका मकसद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मकसद, आपके मकसद की अगर बात करें, आपका सिर्फ मकसद होना चाहिए उनको प्रेजेंटेशन दिखाना और आमंत्रित करना, बल्कि उनके पूरी जानकारी देना नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, जाते हैं और बैठ के अपना पूरा का पूरा प्लान उनको समझा देते हैं, ये बनना, ये करना, ये उसकी सोच छोटी सी है, कमाना इतना है, बता इतना आते हैं, करोड़ों की बात कराते हैं, कहां से वो हजम कर लेगा। तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है, आपका मकसद होना चाहिए सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखाना और उनको आमंत्रित करना, बल्कि उन्हें पूरी जानकारी देना नहीं। पूरी जानकारी कब देना, जब ट्रेनिंग हो जाए, सीख ले, समझ ले, तब उन्हें जानकारी देना, वैसे आपको जानकारी देना नहीं है। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। और हम बात करेंगे पांचवा पॉइंट है, जो है हमारा रिजेक्शन को पर्सनली ना ले। जो रिजेक्शन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आज के टाइम में लोग अपनी सारी चीजों को खराब कर लेते हैं, इसकी वजह यही होती कि रिजेक्शन को पर्सनली ले लेते हैं। पहले मैं बताता हूं ये होता क्या है। बहुत लोग आज के टाइम में ना, आपको पता है, एक औसत पे लोग काम करता है, बहुत लोग हैं एक औसत लगा, क्योंकि हमारे इस बिजनेस को हर लोग कर सकता नहीं है। बहुत लोग ऐसे होंगे जो मना करेंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे जो काम को कर लेंगे। तो मना करने की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो इसमें बहुत लोग होते हैं वो मुझे मना नहीं करते हैं, ये बात को ध्यान से समझना, वो मुझे मना नहीं करते, मेरे काम को मना करते हैं, जो मैं बिजनेस कर रहा हूं उस चीज को मना करते हैं। लेकिन इसी में लोग क्या करता है, पर्सनल ले लेता है। अब पर्सनल लेने में क्या होता है, आपस में झगड़ा हो जाता है। जैसे कि अपने दोस्त को प्लान देने गया, दोस्त को अप्रोच किया, तो दोस्त बोला अरे यार मैं नहीं करूंगा, मेरे बस की बात नहीं, दोस्ती खराब कर लेता है। रिलेशन में देता है, रिलेशन वाला खराब कर लेता है, अपने पड़ोसी देता है, पड़ोसी खराब कर लेता है, यानी कि लड़ाई करने लगता है उनसे, कहता तूने मेरी बात नहीं मानी, मेरे कहने पे नहीं शुरू किया, मेरे कहने पे पैसे नहीं लगाए। अब वो क्या करता है, लाइफ टाइम के लिए उससे और कुछ लड़ाई लड़ाई कर लेता है। तो याद रखना है मेरे दोस्त, उसने आपकी काम को मना किया है, आपको मना नहीं किया है। तो इसलिए आप रिजेक्शन को पर्सनली ना लें। जी हाँ दोस्तों, यदि आप रिजेक्शन को पर्सनली लेंगे तो आने वाले टाइम में आपका घाटा होगा, फायदा होने वाला नहीं है। तो इन चीजों को आप जरूर याद रखें। तो शायद मेरे दोस्त, आज मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ बताने के लिए समझाया। मैंने आज फटाफट फिर से मैं रिपीट करता हूं कि जिन चीजों को हमें अपने अंदर लेके आना है, एक अप्रोच करने से पहले खुद को तैयार करना है, तो उसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट था वो था हमारा आत्मविश्वास, दूसरा पॉइंट था हमारा वो था नजरिया, तीसरा पॉइंट जो था हमारा वो था ऊर्जा लेवल, चौथा पॉइंट था वो था आपका मकसद, और पांचवा पॉइंट था वो था रिजेक्शन को पर्सनली ना ले। ये पांच पॉइंट आप तैयारी कर लें, यदि आप किसी भी को इनवाइट करने के लिए जा रहे हैं, किसी को प्लान देने के लिए जा रहे हैं, किसी को अप्रोच करने के लिए जा रहे हैं, ये पांचों की पांचों तैयारी आपकी होनी चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड, यदि पांचों की पांचों तैयारी आपकी पूरी हुई तो आप एक सक्सेसफुल लीडर बन जाएंगे और उसको अप्रोच भी कर सकते हैं और उसको आप बिजनेस सेल क्लोज भी कर सकते हैं। चलिए दोस्त, मेरी वीडियो यहीं तक की थी। अब नेक्स्ट जो हमारा दूसरा पार्ट आएगा वो आपको बहुत जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको दूसरा पार्ट भी देखने को जल्द से जल्द मिले। चलिए दोस्त, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।